हाय गाइस, अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर मेरे और अंशुमन के तरफ से. एंड न्यू ईयर. एंड आज हम लोग जल्दी उठ गए सुबह, क्योंकि हम लोग का हमेशा से ये परंपरा रहा है कि साल का जो पहला दिन है, वी हैव टू गो समवेयर टू ट्रैवल. बचपन में लाइक मम्मा हम लोगों को नानी घर ले जाती थी. हम लोग सुबह सुबह उठ के नहा धो के नए कपड़ा पहन के नानी घर जाते थे. यहाँ बेल्जियम में तो नानी घर नहीं है मेरा, सो हम लोग आज बेल्जियम में ही कहीं जा रहे हैं, क्योंकि यूरोप में केसेस थोड़े से बढ़े हैं ओमिक्रॉन का, एंड इसलिए काफ़ी सारा जगह लॉकडाउन में चला गया है. वरना हम लोग का इनिशियल प्लान था एम्स्टरडैम जाने का, बट एम्स्टरडैम इज़ अंडर कम्प्लीट लॉकडाउन, तो काफ़ी यूज़लेस होता जाना. लेकिन आज हम लोग बेल्जियम में ही कहीं पे जाएंगे जहाँ हम लोग पहले कभी नहीं गए हैं. सो हम लोग का भी फर्स्ट टाइम है, हम लोग भी फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर करेंगे और आपको दिखाएंगे. तो बने रहिए हम लोग के ट्रिप में एंड एन्जॉय आवर व्लॉग. एंड यार, साल का पहला वीडियो है, नीचे सब्सक्राइब बटन है, थोड़ा क्लिक करके सब्सक्राइब कर लो एंड जॉइन आवर टेल्स एंड ट्रेल्स फैमिली एंड स्टे ट्यून्ड. में हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं बेल्जियम का एक काफ़ी हिस्टोरिकल सिटी या टाउन, दिनांत. इंग्लिश में दिनांत बोलते हैं, लेकिन फ्रेंच में ये लोग उसको दिनों प्रोनाउंस करते हैं. अगर वर्बल मीनिंग समझना चाहें हम लोग की दिनांत का क्या है, इट मीन्स डिवाइन. एंड द व्यू ऑफ द सिटी इज़ एक्चुअली डिवाइन. ज्योग्राफिकली काफ़ी यूनिक सा सिटी है. लाइक एक साइड में ये पूरा एक हिली टेरन है और एक साइड में रिवर म्यूज है. अगर मैं रिवर म्यूज के बारे में बोलना चाहूँ, तो रिवर म्यूज इज ओरिजिनेटेड इन फ्रांस. तो फ्रांस से ये बेल्जियम होके नेदरलैंड्स होके जाके नॉर्दर्न सी में ये जुड़ जाता है. अराउंड 925 किलोमीटर्स का नदी है. एंड जैसे इंडिया में इट्स गंगा एक प्रोमिनेंट रिवर है, वैसे वेस्टर्न यूरोप में म्यूज एक बड़ा ही प्रोमिनेंट रिवर है. तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये सिटी. एंड लाइक एक्सेप्शनली आज आप आसमान एकदम ब्लू देख रहे हैं, वरना आधे से ज़्यादा टाइम यहाँ बारिश होती है और बादल एकदम भरे हुए रहते हैं. तो आज हम लोग को कैसे ही अच्छा मौसम मिला. सो वी वर लाइक, आज 1 तारीख है, अच्छा मौसम है, कहीं निकल जाते हैं घूमने के लिए, क्योंकि कल से यहाँ से फिर से बारिश वाला मौसम शुरू हो जाएगा. सो ये है नज़ारा. Thank you.
इस ब्रिज को सैक्सोफोन क्यों बोला जाता है? क्योंकि दिनो इज द बर्थ प्लेस ऑफ अडोल्फ सैक्स, जिन्होंने सैक्सोफोन इन्वेंट किया था, एंड उनका घर बर्थ प्लेस जो अभी करंटली एक म्यूजियम है वो राइट बिसाइड द सिटाडल है, तो आप वो भी विजिट कर सकते हैं. काफ़ी छोटा सा है बट इट इज़ क्वाइट रिच इन द हिस्ट्री ऑफ सैक्सोफोन. काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बेल्जियन हिस्ट्री के लिए. दिनान है तो छोटा सा जगह, लेकिन यहाँ पे दो बड़े इम्पॉर्टेंट चीज़ें हुई. एक हुआ अराउंड 16-17 सेंचुरी, जब फ्रेंच लोगों ने अटैक किया बेल्जियम को इन दिनान, तब दिनान के लोगों को काफ़ी ज़्यादा घाटा हुआ और इकनॉमी इतना डाउन हो गया था कि लोग यहाँ पर फोर्स्ड हो गए थे कि लेदर और ताश के पत्ते बनाने में. तो वो था एक हिस्ट्री. अब जो दूसरा हिस्ट्री ये है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जब जर्मन लोगों ने अटैक किया बेल्जियम को हियर इन दिनान, एंड काफ़ी फेमस था वो वॉर, एंड कहा जाता है कि उसमें अराउंड 5,000 से 6,000 बेल्जियन एंड फ्रेंच पीपल को जर्मन ने मारा था. अराउंड लाइक 5,000 to 6,000 पीपल यहाँ के, एंड काफ़ी ज़्यादा वो इम्पॉर्टेंट है बेल्जियन हिस्ट्री के लिए. तो अगर आप इस फोर्ट में जाते हो, जो कि आज बंद है क्योंकि आज 1st of January है, तो 1st of January एंड 25th of December को ये फोर्ट बंद रहता है. सो वी आर काइंड ऑफ अनलकी कि हम लोग आज विजिट नहीं कर पा रहे हैं, बट आई गेस समर में यहाँ का माहौल काफ़ी लाइवली रहता है, एंड हम लोग समर में ट्राई करेंगे आने के लिए एंड आपको फोर्ट दिखाने के लिए, क्योंकि इस फोर्ट में काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं. यहाँ पे एक मिलिट्री सेमेट्री है जहाँ पे जो लोग सोल्जर्स मरे थे उनका यू नो काइंड ऑफ क्रेमेशन हुआ था, तो वो जगह है. देन एक ये है क्या उसको बोलते हैं, सोल्जर्स लोगों का रूम. अराउंड 400 या 500 सोल्जर्स लोग जब वर्ल्ड वॉर वन में यहाँ पे रुके थे, तो वो वाला रूम है. और यहाँ पे आपको कैनन्स एंड कैनन्स के बॉल भी देखेंगे. सो इट इज़ लाइक कि देर इज़ वन स्मॉल कैनन बुलेट जो यूज़ होता था, एंड वो स्मॉल बुलेट वॉज ऑल्सो 8 kg. सो एकदम दीवार फांद के वो जाएगा वो कैनन का गोला. सो ये सब चीज़ें आपको देखने मिलेगा यहाँ पे. तो यहाँ का एंट्री फी इज़ लाइक 10 euro एंड एडल्ट्स के लिए, एंड बच्चों के लिए इट्स 8 euro. आप ये स्टेयर्स ले सकते हैं. तो ये जो स्टेयर्स अराउंड 400 से 500 स्टेयर्स है, आप ये स्टेयर्स ले सकते हैं आना जाना करने के लिए. या आप उसके पीछे जस्ट देख पाएंगे कि केबल कार का लाइन है. सो केबल कार का लाइन लेके भी आप ऊपर जा सकते हैं, आना जाना कर सकते हैं, या फिर आते टाइम आप स्टेयर्स लेके आ सकते हैं. सो ये है बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा फोर्ट यहाँ दिनांत में. सो अभी हम लोग म्यूज़ रिवर के बगल में बैठ के इस खूबसूरत नज़ारे के साथ अपने लंच का वेट कर रहे हैं, और हम लोगों ने ऑर्डर किया है हर हिंदुस्तानी का इजी टू गो लंच दुरुम.
संजमन दुरुम क्या होता है? बेसिकली चिकन रोल जैसे हमारे यहाँ होता है, वैसे यहाँ पे टर्किश डिश है, रैप के साथ यू मिक्स चिकन सैलड, बेसिकली शॉर्मा का बड़ा भाई। तो अभी हम लोग जा रहे हैं केव देखने के लिए, जो कि एक्सीडेंटली मिला था यहाँ पे लोगों को। तो यहाँ पे सबवे या ट्रेन लाइन कुछ करने वाले थे और उनको मिल गया केव। वाह, नहीं लड़का हम लोग को कहीं किसी के घर में नहीं गुजर रहा है ना। तो केव जाने का टिकट यहाँ पे मिलता है। अनफॉर्चुनेटली आज ये भी क्लोज्ड है। यहाँ 1 तारीख में पता नहीं लोग घूमते हैं नहीं घूमते हैं, घर में सोते हैं, भगवान जाने क्या करते हैं। तो ये वाला जो रास्ता दिख रहा है आपको, इस रास्ते से आप जा सकते हैं ये एक्सीडेंटल वाला केव को। हम लोग को बड़ा मन था, सैडली ये प्लान भी फ्लॉप हो गया। ले कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हम लोग के चैनल को, और ये साल, इसके अगले साल और साल भर साल हम लोग के साथ बने रहिए। सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड वेट फॉर द न्यू व्लॉग, मे बी नेक्स्ट वीकेंड, एंड टिल देन बाय बाय एंड हैव फन एंड हैव अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर।